color. My good. एक नॉर्मल लड़की की लाइफ अगर एक ही पल में बदल जाए तो खुद को कैसे संभाल पाएगी। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो कि एक पल में ही बैलेरिना डांसर से अपने देश के सीक्रेट एजेंट बन जाती है। लेकिन जब अपने लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लग जाते हैं तब वो क्या करेगी, क्या उसे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस मिल पाएगी, ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है डोमिनिका से, जो कि अपनी माँ के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। उसकी माँ बीमार थी तो डोमिनिका उनकी देखभाल करती थी। डोमिनिका एक बेले डांसर थी। वो जब भी वो काम पर जाती थी तो नीना नाम की एक मेड डोमिनिका की माँ जूलिया का ख्याल रखा करती थी। आज डोमिनिका का एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला था और उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन डिमिट्री आया था। लेकिन डिमिट्री बहुत ही करेक्टरलेस इंसान था, जो कि लड़कियों की तरफ बुरी नज़र रखता था। अब रेडी होने के लिए डोमिनिका ड्रेसिंग रूम में जाती है। डोमिनिका हेड बैलेरिना थी, जिस वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनिया भी उसे जलती थी। डोमिनिका का परफॉर्मेंस शुरू होता है और परफॉर्मेंस के बीच में ही उसका पार्टनर जोल गलती से उसका पैर तोड़ देता है। डोमिनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसका पैर ठीक किया जा सके, लेकिन वो अब कभी भी बैले डांस नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अमेरिकन एजेंट नैश को एक सीक्रेट कोड मिलता है किसी मार्वल से मिलने के लिए, और रात को 8 बजे नैश उसी मार्वल से मिलने जाता है रशिया की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। लेकिन वहाँ पर रशियन पुलिस आ जाती है। पुलिस मार्वल को पकड़ने वाली थी तो इसलिए नैश पुलिस को अपनी तरफ खींचता है और पुलिस नैश को पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस को लगा कि नैश ड्रग सप्लाई कर रहा था और पुलिस को पता नहीं चलता है कि नैश एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट है, तो इसीलिए पुलिस ने नैश को अमेरिका भेजा था। लेकिन नैश के अमेरिका जाने के बाद में रशियन सीक्रेट एजेंसी को नैश को अमेरिकन सीक्रेट एजेंट होने के बारे में पता चलता है, जिसके रशियन सीक्रेट एजेंसी के बॉस गैबल आइवन को बुलाता है इस बारे में बात करने के लिए। सीसीटीवी कैमरा में नैश का फेस तो नज़र आ जाता है, लेकिन मार्वल का फेस नज़र नहीं आ रहा था, और मार्वल उनकी एजेंसी में से ही कोई है जो कि अमेरिका को उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मार्वल को सिर्फ नैश ही आज तक देख पाया है। अमेरिका के बाकी एजेंट ने भी उसको कभी नहीं देखा था। उसी दिन इवान डोमिनिका से मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइवन डोमिनिका का अंकल है। आइवन से डोमिनिका को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनिया ने उसकी जगह हेड बैलेरिना बनने के लिए होयल के साथ में मिलकर उसका पैर तोड़ा था, और गुस्से में डोमिनिका बैलेरिना थिएटर जाती है। वहाँ पर सोनिया और होयल इंटीमेट हो रहे थे और डोमिनिका दोनों को जान से मार देती है, और वहाँ से निकलकर पुलिस और उस मर्डर के बारे में कॉल पर बता देती है। लेकिन अब डोमिनिका को पकड़े जाने का डर था। घर आने के बाद में डोमिनिका को जूलिया से पता चलता है कि घर का रेंट न देने के कारण उसको एक हफ्ते में घर खाली करना होगा, और अब चारों तरफ से डोमिनिका मुसीबतों में फंस चुकी थी। अगले दिन डोमिनिका अपने अंकल आइवान से मिलकर उसको मर्डर केस से बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब इवान डोमिनिका को बिजनेसमैन डिमिट्री से मिलकर उसको सेड्यूस करके एक होटल रूम में ले जाने को कहता है, और उनके आने तक डोमिनिका को उसे बातों में फंसा कर रखना था। इवान से मदद की उम्मीद में डोमिनिका इवान के कहे हुए होटल रूम में जाकर वहाँ पर रखे हुए ड्रेस को पहन लेती है, और फिर उसी होटल के बार में डिमिट्री से मिलती है। डिमिट्री भी डोमिनिका की बातों में आ जाता है और उसके साथ में होटल रूम में चला जाता है। लेकिन तब तक इवान अपने लोगों के साथ में नहीं था, तो इसलिए डिमिट्री के पास बुलाने पर डोमिनिका उसे मना नहीं कर पाती है, और तब डिमिट्री बहुत ही ब्रूटली डोमिनिका का रेप करता है। तब वहाँ पर इवान का एक आदमी लुइस आकर डिमिट्री का गला घोटकर उसे मार डालता है, और डोमिनिका को अपने साथ में इवान के पास में ले जाता है, और अपने साथ हुए रेप के साथ डोमिनिका बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इवान डोमिनिका को उनके सीक्रेट एजेंट बनने के लिए कहता है, नहीं तो डोमिनिका को सोनिया और ज्वेल के मर्डर केस में अरेस्ट करवा देगा और उसकी माँ को भी ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। मजबूरी में डोमिनिका को रशियन सीक्रेट एजेंट बनना पड़ता है। इवान डोमिनिका को ट्रेनिंग स्कूल जाने को कहता है, जहाँ पर डोमिनिका को अच्छे से रशियन सीक्रेट एजेंट बनने की हर बात सिखाई जाती है, और अपनी माँ से मिलकर डोमिनिका ट्रेनिंग स्कूल चली जाती है, और जूलिया भी समझ जाती है कि इवान ने डोमिनिका को इन सब में जानबूझकर फंसाया है। ट्रेनिंग स्कूल में डोमिनिका को स्कूल की ट्रेनर नीना मिलती है, जो कि डोमिनिका को वार्न करती है कि अगर वो उनके देश के लिए काम नहीं आई तो वो खुद डोमिनिका को गोली मार देगी। अब क्लासरूम में नीना डोमिनिका को अपने कपड़े उतारने के ऑर्डर देती है, और साथ ही में एक लड़के को भी वो यही ऑर्डर देती है। नीना सबको समझाना चाहती थी कि इस एजेंसी में काम करने के बाद उनकी बॉडी उनकी नहीं रहेगी और उनके देश के लिए उन्हें किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा, लेकिन डोमिनिका अपने कपड़े नहीं उतारती है
और तब वो लड़का भी अपने कपड़े पहन लेता है। दूसरी तरफ नेश को उसके बॉस त्रिश उनके रशियन मिशन से बाहर कर देता है क्योंकि अमेरिकन को नेश के बारे में पता चल चुका था। इधर डोमिनिका धीरे धीरे ट्रेनिंग में सिखाई गई सभी चीजों को अच्छे से सीखने लगती है। वो रशियन ट्रेनिंग स्कूल बहुत ही ब्रूटल था। सभी के सामने लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि एनिमी को सेड्यूस करके कैसे उनको प्रेजर दिया जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद में नेश को फिर से उनके मिशन के लिए रख लिया जाता है क्योंकि रशियन मार्वल नेश के अलावा किसी और को कांटेक्ट नहीं करता था, वो सिर्फ नेश पर ही भरोसा करता था। तो इसलिए नेश को उसका बॉस त्रिश बुडापेस्ट जाने को कहता है मार्वल से मिलने के लिए और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। दूसरी तरफ रशियन ट्रेनिंग स्कूल स्टूडेंट को उनके रेगुलर आर्मी से मिलवाते हैं और उनको सेड्यूस करने को कहती है ताकि वे लोग देख पाए कि उनकी लड़कियाँ एनिमीज को अपनी बातों में फंसा सकती है कि नहीं। डोमिनिका ने एक आर्मी को अपनी बातों में फंसा कर उसको प्लेजर तो दे दिया था लेकिन उसके साथ में वो इंटीमेट नहीं हुई थी और हर केस में वो अपने हिसाब से नहीं चल सकती थी। फिर एक दिन निक नाम के एक स्टूडेंट ने डोमिनिका का रेप करने की कोशिश की थी लेकिन डोमिनिका ने उसको मारकर जख्मी कर दिया था। इधर रशियन को नेश के बुडापेस्ट आने के बारे में पता चल जाता है। रशियन को भी उनके बीच में मार्वल कौन है ये जानना था। अब अगले दिन निक को मारने के लिए गैबल के सामने डोमिनिका की कंप्लेंट करता है और सभी में से डोमिनिका ही एक स्मार्ट एजेंट थी तो इसलिए गैबल डोमिनिका को माफ कर देता है। लेकिन सजा के लिए क्लासरूम में नीना डोमिनिका को निक के साथ में इंटीमेट होने को कहती है और इस बार बिना डरे बिना शर्म के डोमिनिका सबके सामने नेकेड हो जाती है। लेकिन निक इस बार कुछ नहीं कर पाता है और वहां से चला जाता है। गैबल को डोमिनिका की यह हिम्मत पसंद आती है और वो डोमिनिका को अगले दिन बुडापेस्ट भेजने के लिए डिसाइड करता है नेश से दोस्ती करके उससे मार्वल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। जाने से पहले इवान डोमिनिका को नेश की फोटो दिखाता है और उसे किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करने को कहता है। डोमिनिका इवान से बहुत नफरत करती थी और आज उसकी वजह से वो इन सब में फंस चुकी थी। फिर अगले दिन डोमिनिका कैटरीना नाम से बुडापेस्ट में एंटर करती है जहां पर वो उनकी ही एक दूसरी एजेंट मार्टा के साथ में रहने वाली थी लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने मिशन के बारे में बातें नहीं कर सकती थी। फिर डोमिनिका को निकोलाई नाम के एक रशियन से नेश की सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कहां पर जाता है क्या करता है और उसकी टाइमिंग क्या क्या है। तो इसलिए डोमिनिका भी उन सभी जगहों पर जाती है जहां पर नेश जाता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती है और उस पर शक न होने के लिए डोमिनिका अपने बालों का कलर चेंज करके उसे ब्लॉन्ड बना लेती है। वो उस स्विमिंग क्लास को भी ज्वाइन करती है जिसमें नेश स्विमिंग करने के लिए जाता था लेकिन वहाँ पर डोमिनिका अपना नाम कैटरीना नहीं बल्कि अपना असली नाम डोमिनिका लिखवाती है। स्विमिंग क्लास में नेश का ध्यान अपने आप डोमिनिका की तरफ जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और नेश डोमिनिका को डिनर के लिए इन्वाइट करता है लेकिन डोमिनिका उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। डोमिनिका नहीं चाहती थी कि वो इतनी जल्दी नेश के हाथ आए और नेश को उसके ऊपर शक हो। अगले दिन डोमिनिका को अपना कार्ड नहीं मिलता है और नेश ने वो कार्ड ले जाकर अपने बॉस ट्रिश को दे दिया था। नेश को पूरा शक था कि डोमिनिका रिसेंट एजेंट है जो कि मार्वल के बारे में पता लगाने के लिए आई है। फिर रात को डोमिनिका एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे मार्टा दिखाई देती है लेकिन अमेरिकन आदमी के साथ में। तभी डोमिनिका नेश से मिलती है और अगले दिन उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है। घर आने के बाद में मार्टा डोमिनिका को घर पर नहीं मिलती है और मार्टा के रूम में डोमिनिका को कुछ फोटोज $25,000 और एक प्लेन की टिकट मिलती है। मतलब कि मार्टा रशिया को धोखा देकर अमेरिका के साथ में काम कर रही है और रशिया से दूर भागने का प्लान बना रही थी। कुछ ही देर के बाद डोमिनिका को मार्टा से पता चलता है कि निकोलाई ने रशिया में ये रिपोर्ट भेजी है कि डोमिनिका अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और ये सुनकर डोमिनिका एक बार में निकोलाई से मिलने जाती है और उसकी इंसल्ट करके उसे धमकी देती है कि अगर वो उसके मिशन के बीच में आया तो डोमिनिका सबको बता देगी कि उसको उसने मोलेस्ट किया है। उसके बाद डोमिनिका नेश से मिलने उसके घर जाती है और अब तक दोनों की सच्चाई दोनों के सामने आ चुकी थी। नेश डोमिनिका को बताता है कि वो बस अपने दोस्त मार्वल को बचाना चाहता है तो इसलिए उसने मार्वल की आइडेंटिटी अपने लोगों से भी छुपा कर रखी है। अब रात को डोमिनिका नेश के साथ ही उसके घर में रुकती है और सुबह घर आने से पहले वो नेश के फिंगरप्रिंट वाला ग्लास अपने साथ में ले लेती है। घर आकर डोमिनिका देखती है कि इवान उसे मिलने आया है और इवान डोमिनिका से उसके मिशन के प्रोग्रेस के बारे में बातें करता है। तब डोमिनिका इवान से मार्था के मिशन के बारे में पूछती है और इवान को एक गलत फहमी हो जाती है कि मार्था ने डोमिनिका से अपने मिशन के बारे में डिस्कस किया है। मार्था भी डोमिनिका की बात को सुन लेती है और इवान के जाने के बाद में मार्था डोमिनिका को उसके काम से दूर रहने को कहती है लेकिन डोमिनिका तो मार्था का बुरा नहीं चाहती थी और वो इसीलिए मार्था को संभल कर रहने को कहती है। अब अगले दिन डोमिनिका अपने किसी रिलेटिव के लिए बैंक में एक अकाउंट खुलती है और इधर मार्था अपने बॉस गैबल से परमिशन मांगती है ताकि वो डोमिनिका से अलग रहे। लेकिन अगले दिन ही रशियन एजेंट उसके इन्फॉर्मेशन के लिए मार्था को खतरा समझकर लुइस के हाथों उसे मरवा देता है।
लुइस डोमिनिका को भी धमकी देता है कि अगर उसने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस मार्ता के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है, लेकिन डोमिनिका उनको कुछ नहीं बताती है। रात को नेच डोमिनिका से मिलता है और उसे अमेरिका के साथ मिलकर रशिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने को कहता है। नेच बस इवान के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और डोमिनिका को पूरी सिक्योरिटी का भी प्रॉमिस करता है। डोमिनिका नेच पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है और अगले सुबह नेच डोमिनिका को समझा देता है कि उसे क्या क्या करना है और डोमिनिका को पहले ही रशियन की तरह काम करने को कहता है, लेकिन अंदर से वो अमेरिका की सीक्रेट एजेंट रहेगी। नेच डोमिनिका को अपने लोगों से भी मिलवाता है और वहाँ पर डोमिनिका उनको रशिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती है, जिसके बदले में डोमिनिका एक अकाउंट में अमेरिकन से कुछ पैसे डलवाती है। फिर इसी हफ्ते डोमिनिका एक हेड यूएस सेक्रेटरी आनियस से मिलने वाली थी, जो कि सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम का डाटा रशिया के साथ में शेयर करती है। फिर कुछ दिनों के बाद में डोमिनिका आनिया से मिलती है, जो डोमिनिका को एक डिस्क देती है, जिसके बदले में डोमिनिका आनिया को पैसे देती है। आनिया पर अमेरिकन के साथ साथ रशियंस भी नजर रख रहे थे और होटल के बाहर आने के बाद में आनिया को अमेरिकन मार डालते हैं, क्योंकि उसने अमेरिका के साथ में धोखा किया था। इधर डोमिनिका ने वो डिस्क बदलकर आनिया का डिस्क नेश को दे दिया था, ताकि अमेरिका की कोई भी इन्फॉर्मेशन रशिया तक नहीं जाए। उसके बदले में निकोलाई डोमिनिका को रशिया वापस ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाने वाला था कि रशियंस डोमिनिका के ऊपर शक जरूर करेंगे। दोनों एक दूसरे को दूर से एयरपोर्ट पर देखते हैं और डोमिनिका रशिया चली जाती है। नेश का शक सही निकलता है और रशिया में डोमिनिका को बहुत टॉर्चर करके पूछा जाता है कि कहीं वो अमेरिका के साथ में मिली तो नहीं है, लेकिन डोमिनिका उनको सच नहीं बताती है। उस शक के कारण निकोलाई को भी मरवा दिया जाता है। इवान वहाँ पर आकर डोमिनिका को घर भेज देता है और डोमिनिका को फिर से नेश के पास भेजने का डिसाइड करता है, ताकि मार्वल का पता लगाया जा सके। इवान इसके लिए रशियन ऑफिसर को भी मना लेता है। अब अगले दिन डोमिनिका नेश के पास में चली जाती है, जहाँ पर वो नेश से मदद मांगती है उसकी माँ को अमेरिका वापस लाने के लिए। डोमिनिका अब रशियन के साथ में काम नहीं करना चाहती थी और नेश भी इसके लिए मान जाता है। फिर उसी रात लुइस वहाँ पर आकर नेश को मारपीट के मार्वल का पता पूछता है। डोमिनिका पहले तो लुइस की ही तरह नेश को मारपीट कर मार्वल का पता पूछती है, लेकिन मौका मिलते ही वो लुइस को जान से मार डालती है। लेकिन इस दौरान नेश और डोमिनिका दोनों जख्मी हो जाते हैं। अब अगले दिन हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर डोमिनिका से मिलने के लिए रशियन ऑफिसर विक्टर आता है और यहीं पर मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। विक्टर रशिया का बड़ा ऑफिसर तो था ही था और साथ ही में वही मार्वल था जो कि अमेरिका को रशिया की इन्फॉर्मेशन देता था। एक टाइम पर विक्टर की वाइफ मेरी बीमार पड़ गई थी और मेरी का हार्ट का ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में हो सकता था, लेकिन अपने इन्फॉर्मेशन लीक होने के डर से रशियंस ने विक्टर को अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए अमेरिका नहीं जाने दिया और मेरी की मौत हो गई। तब से विक्टर अमेरिका के लिए सीक्रेटली काम कर रहा था और उसके मुताबिक रशियंस बहुत सेल्फिश होते हैं। विक्टर डोमिनिका से कहता है कि उसके बारे में रशियन को सब कुछ बता दें, जिससे कि डोमिनिका देश की हीरो बन जाएगी और अपनी माँ के साथ में खुश रह पाएगी। फिर इन सब के बाद में डोमिनिका रशियंस को रियल मार्वल के बारे में बता देती है, लेकिन यहाँ पर वो इवान को मार्वल बताती है और हमें ये भी पता चलता है कि इतने दिनों से डोमिनिका इवान के खिलाफ में झूठे सबूत इकट्ठा कर रही थी और इवान के नाम पर डोमिनिका ने एक अकाउंट खुलवाया था और उसी अकाउंट में अमेरिकन से पैसे डलवाए थे, ताकि रशिया को लगे कि इवान उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करके अमेरिका से पैसे ले रहा था। नेश के फिंगरप्रिंट वाला ग्लास उसने इवान के घर पर रखवा दिया था, ताकि रशियन को लगे कि इवान ही मार्वल बनके नेश से मिलता है, और ऐसा ही होता है। इवान को रशियंस मार डालते हैं और उसके बाद में डोमिनिका रशिया की हीरो बन जाती है और अब वो एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर थी। लेकिन फिर भी डोमिनिका नेश के बिना अधूरी थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन नेश डोमिनिका को कॉल करता है और अपनी सेफ्टी के लिए दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार को खामोशी में ही समझ जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में हमने डोमिनिका के बारे में देखा कि किस तरह बेलेरिना एक ही पल में रशिया की सीक्रेट एजेंट बन गई। डोमिनिका को जानबूझकर उसके अंकल इवान ने फंसाया, क्योंकि इवान को डोमिनिका की कमजोरी और उसकी प्रॉब्लम पता थी। मनी मन में डोमिनिका रशियन से नफरत करने लगी थी, क्योंकि वो लोग उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। शुरुआत से ही डोमिनिका अमेरिकन के साइड में थी, तो इसीलिए उसने इवान को फंसाने के लिए सबूत जमा करना शुरू कर दिए थे। अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन उसने रशिया को नहीं दी थी और रशिया के सीक्रेट एजेंट की वजह से विक्टर को सालों पहले अपनी वाइफ मेरी को खो देना पड़ा था और तब से वो रशिया की इन्फॉर्मेशन अमेरिका को शेयर करने वाला मार्वल बन गया था। डोमिनिका मार्वल की बात को समझती थी, तो इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया
और अपने अंकल इवान को ही फंसा कर उसने अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों ये थी रेड स्पर मूवी की कहानी। ये मूवी एक सीक्रेट एजेंट के ऊपर बनी हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी जाकर जरूर देखना चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो।